नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर। दोस्तों, आज एक और नया प्लान आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। टाटा एएजी का मेडिकेयर प्रोटेक्ट के नाम से प्लान आता है। ये बहुत ही जबरदस्त प्लान है, प्लीज एंड तक देखिएगा और जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियोस आपको आती रहेगी। प्लान स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं एज ऑफ एंट्री क्या है। प्लान के अंदर 18 साल से लेके 65 साल तक कोई भी पर्सन पॉलिसी ले सकता है। इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करें तो 5 साल से लेके 65 ईयर्स तक कोई भी पर्सन पॉलिसी ले सकता है। और अगर चाइल्ड एज की बात करें तो 91 डेज से लेके 25 ईयर्स तक पॉलिसी में चाइल्ड एप्लीकेबल है फैमिली फ्लोटर ऑप्शन में। और इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, 4 सम इंश्योर्ड पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख में से कोई भी सम इंश्योर्ड पॉलिसी में लिया जा सकता है। 45 साल तक पॉलिसी में कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है और 46 से 50 तक अगर कोई पर्सन पॉलिसी लेता है तो टैली एमईआर होती है और 51 ऑनवर्ड्स पॉलिसी में मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी है। इसके अलावा रूम रेंट की बात कर ले तो इस पॉलिसी के अंदर शेयर्ड एकोमोडेशन मिलता है, शेयरिंग रूम मिलता है। और आईसीयू रूम की बात कर ले तो अपना ऑन एक्चुअल बेसिस पॉलिसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। प्लस प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर ले, एडमिट होने से पहले का खर्चा, डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा, 30 दिन पहले का और 60 दिन बाद का पॉलिसी के अंदर मिलता है। ऑपरेशन नीड की बात करें जिसमें बोलते हैं स्टोन, कैटरेक्ट, कर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी शूज, जॉइंट रिप्लेसमेंट पहले 2 साल के बाद ही कवर होते हैं, 2 साल वेटिंग पीरियड रहेगा। और अगर किसी को पहले से कोई पुरानी बीमारी है जैसे कि बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, रसौली या कोई भी ऐसी डिसीज जिसकी वजह से आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो वो बीमारी यहाँ पर 4 साल के बाद कवर होती है दोस्तों। प्लस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस की बात कर लें, जिस साल में पॉलिसी में क्लेम नहीं लेते हैं आप तो पॉलिसी के अंदर बोनस मिलता है, 10% एवरी ईयर नो क्लेम बोनस मिलेगा अप टू 100% तक। अगर किसी ने 2 लाख का पॉलिसी लिया है और पहले साल क्लेम नहीं आता है तो 2,20,000 पॉलिसी हो जाएगी और जब तक भी क्लेम नहीं लेंगे 20,000 बढ़ता रहेगा। 2 लाख की पॉलिसी 4 लाख रुपये तक आराम से जा सकती है। प्लस यहाँ पर और भी अच्छे यूनिक फीचर्स हैं जैसे कि यहाँ पर इनबिल्ट मैटरनिटी कवर है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ पर 4 साल का वेटिंग पीरियड है और पॉलिसी के अंदर डिलीवरी का एक्सपेंस कवर होता है जो कि जनरली बहुत अच्छा और बढ़िया फीचर है, बताता हूँ। जिसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा दोस्तों, 4 साल के बाद अपना अगर कोई डिलीवरी होती है तो बॉयज़ के लिए 50,000 रुपये, बॉय अगर बॉय बेबी चाइल्ड होता है तो, और गर्ल बेबी चाइल्ड होती है तो 60,000 रुपीज़ तक पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। और 5,000 रुपये का ओपीडी का फीचर भी है जो आपको एवरी ईयर पॉलिसी में मिलेगा, जिसमें आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, किसी भी छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए आप इलाज कराते हैं तो 5,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा फीचर है। रीस्टोर के नाम बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर है। अगर पॉलिसी 5 लाख 2 लाख के लिए तो 2 लाख के साथ 2 लाख का एडिशनल कवर है और 5 लाख के लिए तो 5 लाख का एडिशनल इंश्योरेंस कवर है दोस्तों। इस पॉलिसी के अंदर एम्बुलेंस कवर है 1,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन और हेल्थ चेकअप भी कवर है 0.25% ऑफ सम इंश्योर्ड और काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर है। डेंटल कवर की बात कर लें तो पॉलिसी में 2 साल के बाद डेंटल कवर है, आप 2 साल के बाद डेंटल कवर ले सकते हैं 10,000 रुपये, ये भी यूनिक फीचर रहेगा। और यहाँ पर एक और स्पेशल फीचर होता है दोस्तों, अगर कोई पर्सन फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ना लेके इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड लेता है तो 2 पर्सन अगर इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं फैमिली के मेंबर्स तो यहाँ पर 20% डिस्काउंट मिलता है, 3 पर्सन लेते हैं तो 28% डिस्काउंट मिलता है टोटल प्रीमियम में, और अगर 3 से ज़्यादा लोग इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी में 32% तक का प्रीमियम में डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा चाहे इंडिविजुअल पॉलिसी लें या फैमिली फ्लोटर ऑप्शन लें, 2 साल या 3 साल के लिए लेते हैं तो 2 साल में 5% डिस्काउंट मिलेगा और 3 साल के लिए लेते हैं तो 10% डिस्काउंट भी पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है जो कि बहुत बढ़िया फीचर है। नेक्स्ट, पॉलिसी के अंदर एमरजेंसी एम्बुलेंस कवर है दोस्तों, आपका 50,000 रुपीज तक का एयर एम्बुलेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें बात करें पीए कवर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, जिसके लिए स्लाइटली एडिशनल राइडर लेना पड़ता है, तो जितने का आपने इंश्योरेंस लिया उतने लाख का आपको एक्सीडेंटल डेथ कवर होगा। डोमिसाइल ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, ऑर्गन डोनर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, आयुष ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, और अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस है तो वो भी इस पॉलिसी के अंदर 4 साल के बाद कवर होंगे और उसकी लिमिट है 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये तक न्यूबॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस भी कवर होंगे। और न्यूबॉर्न बेबी के वैक्सीनेशन भी पॉलिसी के अंदर कवर है, बॉय के लिए 10,000 रुपीज़ और गर्ल के लिए
15,000 रुपीज। जेनुअनली अमेजिंग अमेजिंग फीचर है, प्लस अभी खत्म नहीं हुआ है, दो तीन और ऐसे फीचर्स है जो आपको किसी पॉलिसी में नहीं मिलेंगे, जैसे कि रेबीज का कोई आपका डॉग्स बाइट कर लेता है तो रेबीज का इंजेक्शन लगता है वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, कोई एनिमल बाइट है वो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, जेनुअनली अच्छा फीचर है। कंपैशनेट ट्रैवल के नाम से एक फीचर आता है पॉलिसी में, 20,000 रुपीज का कंपैशनेट ट्रैवल भी कवर्ड है, और हॉस्पिटल कैश के नाम से एक फीचर है 0.25% समझो वो भी पॉलिसी में कवर्ड है। टीपीए की बात करूँ तो दोस्तों आउटसाइड टीपीए है, ओवरऑल कंपनी की बात करूँ तो टाटा एजी जाना माना नाम है, बहुत बड़ी कंपनी है और ज्यादातर काम जनरल में करती थी, अभी साथ में करती है जनरल में काम करती है और साथ में हेल्थ के सेगमेंट में आई है। जनरली बहुत अच्छा और बढ़िया क्लेम सेटलमेंट है। जनरली मेरी रिक्वेस्ट रहती है जिस भी कंपनी के अंदर टीपीए आउटसाइड होता है वो कम प्रेफरेबल रहता है, इन हाउस टीपीए वाली कंपनी ज्यादा अच्छी रहती है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा कोई इशू नहीं है। ओवरऑल किसी ने भी पॉलिसी हमारे थ्रू लेनी हो, ऑल ओवर इंडिया हम लोग पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा। नमस्कार।